इसको हम सही ऐसे कर लेते हैं कि ये जो मैंने लास्ट क्लास का कोड लिख दिया ना इसमें, ये पोस्ट डॉट एम जे एस में ही एक्चुअली सारा कोड लिखा है मैंने लास्ट जो भी क्लास में लिखा है। तो इस पूरी फाइल को मैं उठा लेता हूँ यहाँ से, और उठा के ना इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ। अच्छा, इसकी कॉपी कैसे बनेगी, क्योंकि आगे हमने लेके चलना है इस फोर वाले फोल्डर को, सिक्स, और इसका नाम मैं रख देता हूँ क्रड ऐप विद वेरिएबल। और जो मैंने लास्ट क्लास में सारा का सारा कोड लिखा था यहाँ पे इस पोस्ट डॉट एम जे एस में, लास्ट क्लास में हमने क्या कोड लिखा था जी, एक वेरिएबल बना लिया था इस तरह, और एक वेरिएबल बना के उसमें पोस्ट करना सीख लिया था नया डेटा, और डेटा को गेट करना सीख लिया था, और इसी तरीके से हमने सिंगल पोस्ट को गेट करना सीख लिया था इसमें। एडिट और डिलीट ये मैंने करवाया नहीं था, ये मैंने कहा था कि खुद से कर लेना तुम लोग, ठीक है। तो ये सारा का सारा कोड मैं ऐसे कॉपी करके और वो ये सिक्स वाले में ला के मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, यानी कि पोस्ट डॉट एम जे एस। ठीक है जी, तो ये बिल्कुल वैसा ही हो गया। अच्छा, तो ये जो वेरिएबल वाला मेरा क्रड है इसको ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। अब अगला काम हमने ये करना है, वैसे तो हमने मोंगो डीबी की तरफ मूव करना है, लेकिन ज़रा हम देख लेते हैं कि इसमें, अच्छा इसमें एक काम और भी तो हुआ था ना, फ्रंट एंड भी अभी तो चेंजेस हुई थी इस फाइल में इंडेक्स डॉट एम जे एस। तो इस फाइल को भी यहाँ से मैं कट करके यहाँ से ले आता हूँ, इस फाइल को भी मैं कट करता हूँ और ये सिक्स वाले में लेकर आ जाता हूँ, और एक दफ़ा चला के भी देख लेता हूँ कि क्या रिपोर्ट है इसकी। सही है, इसको एक दफ़ा चला के भी देख लेते हैं। मैंने कहा जी सी डी और फोर सर्वर सी डी सिक्स क्रड ऐप और एन पी एम रन डेव। अच्छा, ये कह रहा है मॉड्यूल नॉट फाउंड। अच्छा, नैनो आई डी इसको नहीं मिल रहा, चलो नैनो आई डी कर देते हैं, एन पी एम आई नैनो आई डी। सही है जी, चल गया ये, लोकल होस्ट 3001 पे चला ये। लोकल होस्ट 3001 लिखा मैंने, टोकन इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा, वो टोकन जो है मेरा क्या था वाला, ये टोकन इज़ नॉट डिफाइंड जो था वो यहाँ से आ रहा था ना, मैं कहता था कि अच्छा ये टोकन को आगे क्रॉस करेगा तो फिर आगे जाएगा, तो यहाँ पे मैंने लेट करके एक टोकन इक्वल्स टू यहाँ पे टोकन लिखा था ताकि ये रिक्वेस्ट आगे बढ़े, अदरवाइज ये रिक्वेस्ट आगे नहीं बढ़ती। वैलिड वैलिड, ऐसे मैंने ये हार्ड कोडेड ज़रा लिख दिया था। ठीक है जी, क्रड ऐप ये शो हो गई मेरे पास, और मैं इसको ज़रा कुछ अभी लिखता हूँ इसमें, और हाँ जी ऐड होना शुरू हो गया, जितनी बार लिखता हूँ उतनी बार ये ऐड होता है। अच्छा, इसको बनाने में किसी को कोई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, फ्रंट एंड में कोई इशू आया कोई लॉजिक में, तो पूछ सकता है वो भी। पोस्ट रेंडर नहीं हो रही है। अच्छा, तो अच्छा मैंने तो रेंडर करके नहीं दिखाया था, मैंने तो सिर्फ उसको स्ट्रिंगिफाई करके वो कर दिया था ना, स्ट्रिंगिफाई करके उसको जस्ट मैंने छोड़ दिया था। तो ये गेट ऑल पोस्ट वाला कोड है, इसमें मैंने क्या किया था भला कि जो है ना, मैंने कहा था कि जो भी पोस्ट आती है उसको पोस्ट के इनर एचटीएमएल में डाल दो। तो ज़रा इसको मैं जो इनर एचटीएमएल में जो चीज़ डालता हूँ मैं उसको ज़रा सा चेंज कर देता हूँ, मैं ज़रा सा चेंज ऐसे कर देता हूँ कि इसको मैं कहता हूँ भाई ये एचटीएमएल होगा, और मैं कहता हूँ कि जी ये एक डिव होगा एक अदद। सही है जी, एक डिव होगा ये, और उस डिव के दरमियान में जो ये वाला डेटा है वो क्या होगा, एज अ टेम्पलेट इसमें पड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा जब वो पूरी की पूरी मेरे पास, अच्छा इस रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर मेरे पास क्या आता है, एरे आता है, राइट। सही है, एक मेरे पास एरे आता है जिसके बीच में कुछ ना कुछ डेटा होता है, ठीक है, एक एरे आता है मेरे पास। तो वो अब क्या करेगा, वो पूरा का पूरा एरे जो है ना इस डिव के अंदर रख के उसको इनर एचटीएमएल में डाल रहा होगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये इसमें ज़ाहिर है थोड़ा ज़्यादा काम करना होगा, उसको मैं ऐसे कट करके ना ज़रा पहले इसी को तैयार कर लेता हूँ। मैंने कहा कि लेट
पोस्ट्स, और मैंने यहाँ पे पोस्ट्स को ऐसे कर लिया, लेकिन ये इस तरह करके नहीं होगा। इस तरह करके इसलिए नहीं होगा कि यहाँ पे एरे जो है ना, अगर मैं इसको क्या करूँगा, इस तरह करके इसमें डालने की कोशिश करूँगा तो वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा हुआ जाएगा, है ना, या उसको वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, जो कि वो होगा नहीं ऑब्वियसली। सही है, इसको मैं रिफ्रेश अगर करता हूँ अभी, अच्छा वो एरर ही आ गया होगा मोस्ट प्रॉब्ली। क्या एरर देता है ये अब? अच्छा वो कोई टोकन मैंने लगा दिया है किसी जगह पे, हाँ ये एक्स्ट्रा जो लगा हुआ है ना, अच्छा मैंने इसको जो डिस्प्ले कराना है, इसको यहाँ पे पोस्ट कराना है ना, ठीक है। ये मैंने पोस्ट को तैयार किया और मैंने इनर एचटीएमएल में पूरे पोस्ट को उठा के डाल दिया। अब यहाँ देखते हैं इसको करके आ रहा है, ये देखो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना दिया इसने। तो मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे करना ये होगा कि मुझे ऐसे नहीं करना होगा इस काम को, इसको मैंने किया कट, पूरे को हटा दिया यहाँ से। मुझे ये करना होगा कि रिस्पॉन्स डॉट डेटा के ऊपर ना डॉट मैप चलाना होगा मुझे। क्या यहाँ पे मैप अप्रोप्रिएट है या फॉर लूप चलाना चाहिए मुझे? फॉर लूप क्यों? हाँ दोस्त ने कहा है कि मैप जो होता है वो क्या करता है, एरे में जितने भी आइटम होते हैं तमाम आइटम के लिए वो घूमता है, ठीक है, उसको दरमियान में रोका नहीं जा सकता, जबकि फॉर लूप में क्या होता है, दरमियान में उसको रोका जा सकता है। तो ये कह रहे हैं कि इसलिए यहाँ पे फॉर लूप लगाना चाहिए ताकि जहाँ तक हमारा काम हो जाए वहाँ तक हम इसको रोक दें। कहाँ तक हमारा काम हो जाए? डेटा तो पूरा एरे आता है ना हर दफ़ा यहाँ पे, ये गेट ऑल पोस्ट की एपीआई है, ये जब भी हिट होती है पूरा एरे आता है मेरे पास, ठीक है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि अभी जो ऐड हुआ है वो कौन सा आइटम है, ये मुझे पता नहीं चल सकता, मुझे हर दफ़ा पूरा का पूरा ही मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए मुझे मैप चलाना है कि हर दफ़ा पूरा मिलता है, पूरे पे आइट्रेट करना है, इसलिए मुझे मैप चलाना पड़ेगा, ठीक है। मैप यहाँ पे अप्रोप्रिएट है, फॉर लूप भी वैसे तो चला सकते हैं। ईच पोस्ट मैंने लिखा है, ईच पोस्ट, और उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास रिस्पॉन्स बना हुआ था ना, लेट क्या था मेरे पास, लेट पोस्ट्स, इसको बल्कि मैं पोस्ट्स के साथ एचटीएमएल लिख देता हूँ, क्योंकि मैं एचटीएमएल बना रहा हूँ एक्चुअली, ठीक है ना, ये मैं एचटीएमएल तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं रिटर्न क्या करवाऊँगा, मैं रिटर्न करवाऊँगा यहाँ से एक अदद डिव, ठीक है, और उस डिव के अंदर क्या होगा, ईच पोस्ट डॉट टाइटल होगा, और साथ में क्या होगा, ईच पोस्ट डॉट टेक्स्ट होगा। दो ही चीज़ें थी मेरे पास, ठीक है। इसको ज़रा स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, अभी तो ये कुछ और ही बन गया था। ठीक है, ये डिव पूरा मेरा तैयार हो गया। अच्छा, इस डिव के बाद एक अदद बी आर भी होगा यहाँ पे, ताकि वो लाइन ब्रेक कर ले। सही है, इधर होता है, इधर होता है, इस तरफ ही होता है, ठीक है। एक बी आर भी लगा दिया मैंने। अच्छा, अब ये वाला जो काम हो रहा है, ये जो मैंने रिटर्न कॉल किया है, रिटर्न से क्या होता है, रिटर्न से ये होता है कि उस इंडेक्स में जो होता है ना वो चीज़ रिप्लेस करके ये रख देता है। तो अल्टीमेटली मेरा जो पोस्ट एच टी एम एल है ना, ये एक एरे बन रहा होगा। क्या मुझे ये एरे बनाना है, क्या मुझे इसको एरे बनाना चाहिए? एरे तो नहीं बनाना है ना मुझे इसको, मुझे एरे इसको नहीं बनाना है। हाँ ऐसे ही करते हैं, ये जितनी बार घूमेगा, ये हर दफ़ा रिटर्न करेगा ना, तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा के जितने इंडेक्सेस हैं वो सबको रिप्लेस मारता जाएगा इस रिटर्न वैल्यू से, ये काम करते हैं, ठीक है। तो मुझे ये काम नहीं करना है, तो मुझे पोस्ट का जो एच टी एम एल है इसको पहले अलग से यहाँ से क्या करना पड़ेगा, ऐसे डिव से इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा मुझे इसको, कि भाई इसमें इस वक्त क्या है, एक अदद डिव ऐसे पड़ा हुआ है। फिर ये जब चलेगा पूरा का पूरा, और लास्ट में क्या करूँगा मैं,
पोस्ट एचटीएमएल में क्या करूँगा, इस डिव का क्लोजिंग टैग लगा दूंगा मैं, सही है। और यहाँ पे मैं अब रिटर्न कॉल नहीं करूँगा इसको, यहाँ पे मैं करूँगा पोस्ट एचटीएमएल इक्वल्स टू, सही हो गया कोड अभी है, इसमें कोई इशू तो नहीं है। देखो गौर से, अपेंड चाइल्ड भी कर सकते हैं, इनर एचटीएमएल भी कर सकते हैं, एक ही बात है, इसमें कोई इशू तो नहीं है इस कोड के अंदर। क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा भाई, इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे, प्लस इक्वल्स टू लगाना पड़ेगा ताकि पुराने वाले को भी रखे ये और नए वाले को भी रखे। तो पहले ये डिव इसमें बना, फिर जितनी दफ़ा ये घूमेगा उतनी दफ़ा ये बनेगा और आखिर में ये प्लस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा मेरे पास, कुछ इस तरह की चीज़ बन जाएगी कि जी एक डिव ऐसे जो ओपन क्लोज है, सही है, कुछ इस तरह की चीज़ बन जाएगी, एक डिव ओपन क्लोज इस तरह हो जाएगा और दरमियान में क्या होगा, इस तरह का आइटम होगा सारा, सही है, एक डिव होगा दूसरा डिव होगा ऐसे होगा, ठीक है। ये तो एरर दे रहा है क्योंकि मैंने जावास्क्रिप्ट के दरमियान में लिख दिया, एक एक डिव होगा उसके नीचे ऐसे बी आर लगता जाएगा कि जी एक डिव लगे उसके बाद बी आर लगे। अच्छा, क्या मुझे इस वाले डिव की ज़रूरत है, ये वाला जो डिव मैंने यहाँ पे और आखिर में और शुरू में लगाया है, यानी कि मैंने यहाँ पे जो शुरू में और आखिर में लगाया है, इसकी क्या मुझे ज़रूरत है, जल्दी बताओ इसकी क्या मुझे ज़रूरत है। HTML पढ़े हुए बड़े दिन हो गए और तुम लोग भूलते जा रहे हो सब, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, इसकी ज़रूरत इसलिए नहीं है कि अगर इसकी ज़रूरत होगी तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट HTML में इसको बना के और उसी की ID गेट करूँगा, उसी के अंदर करूँगा इसको मैं, तो इसलिए मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, शुरू में इसको empty रखूँगा मैं, सही है, और यहाँ पर मुझे मज़ीद कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसमें अल्टीमेटली क्या बनेगा, ये सिर्फ डिव की एक लिस्ट बनती चली जाएगी और मेरा जो पोस्ट्स करके जो मेरे पास एक डिव मौजूद है ना, उसमें मुझे डायरेक्ट इसको डालना है। अगर डायरेक्ट नहीं डालना होगा, पोस्ट के अंदर को मजीद डिव बनानी होगी, तो मैं डायरेक्ट उसको उठाऊंगा, फिर मैं पोस्ट को नहीं उठाऊंगा, मैं उसके अंदर मौजूद डिव को उठाऊंगा, ठीक है। और जब ऐसे करके करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसके अंदर चला जाएगा। अच्छा, डिव में मे भी मुझे, मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा टाइटल जो है ना वो ज़रा बड़ा होकर दिखे, तो मैंने कहा कि भाई H3 में दिखे मुझे टाइटल, सही है, तो मैं ये भी कर सकता हूँ। मैंने कहा कि जी H3 में मुझे आप टाइटल दिखाओ और इसको आप मुझे दिखाओ पैराग्राफ में, जो पोस्ट का जो टेक्स्ट है, सही है, तो मैं इस तरह भी कर सकता हूँ। हाँ, इसी में, हाँ, जो मेन डिव होगा उसमें क्लासेस लगाओगे और इसके अंदर जो चाइल्ड वाली क्लासेस है ना वो डायरेक्ट यहाँ पे लगा के आप भेजोगे, ठीक है। आप लिखोगे कि पोस्ट डैश कार्ड मिसाल के तौर पे, नहीं ये तो मैं लगा के डाल रहा हूँ ना क्लास, ये जब मैं क्लास लगा के उसको डालूंगा ना इनर HTML में, तो जो क्लास होगी वो अप्लाई हो जाएगी। और नहीं, अपडेट नहीं कराते रहते हैं वो, जब भी फंक्शन कॉल होगा ये वाला, ये पूरा लूप घूमेगा दोबारा से और वो पूरा अपडेट हो जाएगा, ठीक है। उसमें मैंने ये क्लास भी लगा दी है हाथ के हाथ। अब मैं यहाँ पे पोस्ट HTML जैसे ही अंदर करूँगा ना इसके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे इस तरह से ये बन के नज़र आ जाएगा, ठीक है। अब पोस्ट कार्ड के नाम से एक क्लास है जो इसके ऊपर क्या हुआ है, पहले से लगी हुई है ना इसके ऊपर, तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे आके जब CSS लिखूँगा ना, CSS का मेरा एक बना हुआ है स्टाइल, तो मैं लिखूँगा कि यार डॉट पोस्ट डैश कार्ड और इक्वल्स टू करके मैं लगा देता हूँ इसमें शेडो, इसको शेडो में मेरे पास क्यों नहीं आ रहा वो ऑप्शन, मुझे इनसेट की जगह आउटसेट चाहिए। आउटसेट को क्या बोलते हैं, एक इसको तो बंद ही कर दूँ बल्कि मैं, जो बॉक्स शैडो है ना, बॉक्स शैडो कहाँ गया, बॉक्स शैडो ये आ गया। अच्छा, इसमें तो वो इंसर्ट वगैरह लिखा ही नहीं है इसमें, सही है। मैंने लिखा भाई इसका जो है ना, आप 10 पिक्सल करो, एक राइट से ऑफसेट होता है, एक लेफ्ट से ऑफसेट होता है ना, और कितना ब्लर करना है वो भी लिख दिया मैंने, और किस कलर का करना है वो भी लिख देते हैं इसको, ब्लैक।
सही है, तो ये मेरे पास शेडो आ गया इसके ऊपर। अच्छा मैं इसको 0-0 पिक्सल कर देता हूँ ज़रा, ताकि ये क्या हो, जो दूर बना हुआ है वो बिल्कुल इसके बैक पे बने। तो ये मेरा शेडो आ गया इसके ऊपर, ठीक है। और मैं क्या लगा देता हूँ इसके ऊपर, बॉर्डर रेडियस लगा देता हूँ, ठीक है। मैंने कहा यार 15 पिक्सल, तो बॉर्डर रेडियस यहाँ पे क्या हो गया, 15 पिक्सल हो गया। अच्छा ये अपनी दीवारों से बहुत ज़्यादा चिपका हुआ है, पैडिंग लगा दूंगा मैं इसमें। पैडिंग मैंने कहा कि 2 REM, यानी 2 mm जितना फासला ले लिए अपनी साइडों से, ले लिया इसने, ठीक है जी। 2 REM ज़रा ज़्यादा हो गया, 1.5 कर देता हूँ, ठीक है जी। ये मेरे कार्ड्स बन के तैयार हो गए। और अच्छा ये हेडिंग की वजह से ना इतना ज़्यादा हेडिंग ने मार्जिन लिया हुआ है, तो मैं इसकी ज़रा हेडिंग जो है ना इसके अंदर उसके मार्जिन को भी ख़त्म कर देता हूँ। मैंने कहा पोस्ट कार्ड और उसके अंदर जो H3 है उसको क्या कर दिया जाए, उसकी जो मार्जिन है ना उसको 0 कर दो। सही है, मार्जिन इसका मैंने 0 कर दिया, तो जो वो टॉप और बॉटम पे मार्जिन लेता था ना वो ख़त्म हो गया, लेकिन पैराग्राफ का मार्जिन अभी भी है, तो इसलिए थोड़ा सा वो डिस्टेंस में दिख रहा है। अब इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, इसके अंदर मुझे चाहिए 3 अदद बटन, या 2 अदद, बल्कि 3 क्यों। पहले बटन का नाम क्या होगा, पहले बटन का नाम होगा डिलीट, सही है, डिलीट का बटन आ गया सबसे पहला, आ गया। इसी तरह एडिट का बटन होगा 1 अदद, सही है, एडिट का बटन भी आ गया। अब डिलीट का बटन दबाने पे मुझे क्या करना होगा, एक फंक्शन कॉल करना होगा ऑब्वियसली। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डिलीट के अंदर एक ऑन क्लिक लगा दूंगा मैं, और ऑन क्लिक लगा के इसके ऊपर फंक्शन का नाम लिख दूंगा, CLICK, एक फंक्शन का नाम लगा दूंगा मैं डिलीट, और ऐसे कॉल कर दूंगा इसको मैं, ठीक है। और डिलीट का ज़ाहिर है मुझे फिर फंक्शन बनाना भी पड़ेगा, जैसे ये window.getAllPost है, इसी तरह window.delete का मैं पूरा का पूरा एक इसी तरह का फंक्शन बनाऊंगा। और उस फंक्शन में मैं क्या करूंगा, window.delete का एक फंक्शन बनाया, और इसमें API कॉल होगी exhaust.delete, सही है, डिलीट की रिक्वेस्ट, और S नहीं लगेगा इसमें, बगैर S के होगा। ये क्या था, डिलीट ऑल था क्या था, बहरहाल डिलीट 1 ही होगा मेरे केस में तो अभी फ़िलहाल, तो S नहीं लगेगा इस पर, बल्कि स्लैश करके क्या लगेगा, अब ID लगेगी इस पर पोस्ट की, कि ID क्या होगी, ठीक है। तो मैं ऐसे करके यहाँ पे लगा देता हूँ पोस्ट ID, सही है। अच्छा इसका मतलब है फिर डिलीट का फंक्शन जब कॉल होगा तो मुझे पोस्ट ID यहाँ भी चाहिए होगी, पोस्ट ID मुझे चाहिए होगी, कि जब भी डिलीट का बटन दबे तो एक खास पोस्ट ID के साथ हर दफ़ा चले वो, तो पोस्ट ID यहाँ पे जाएगी, रिस्पॉन्स में वो बोलेगा भाई डिलीट हो गया जो भी होना था, और नीचे कुछ HTML वगैरह मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। HTML वगैरह कुछ भी नहीं लिखूंगा मैं इसके नीचे, जस्ट मैं क्या करूँगा यहाँ पर मैं एक फंक्शन कॉल कर दूँगा getAllPost, सही है, getAllPost करूँगा तो वो दोबारा से पूरे को गेट करेगा, तो उसमें ज़ाहिर है एक कम होगा पोस्ट, तो वो ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि गायब हो गया, ठीक है। अब ये डिलीट का जो फंक्शन है, अभी तो जब ये चलेगा तो इस पर अगर मैं इसको कॉन्सोल कराता हूँ, पोस्ट ID को मैं यहाँ पे कॉन्सोल कराता हूँ अगर, तो अभी मुझे ये पोस्ट ID में क्या मिल रहा होगा, अनडिफाइंड मिल रहा होगा, ठीक है। मैंने ये डिलीट का बटन प्रेस किया, अरे ये क्या है, कहीं पे मैंने कोई मिस्टेक कर दी है, लाइन नंबर क्या बता रहा है, ये लाइन नंबर वन तो यहाँ है भी नहीं, ये इसी तरह होता है और कैसे होगा, अपेंड भी कर सकते हो और इनर HTML भी कर सकते हो, दोनों सही है। असल में इनर HTML में चक्कर ही होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा HTML कर रहे हो ना आप, यानी एक एक सेकंड में 200-200 दफ़ा अगर अपडेट हो रहा है, तो इनर HTML फेल हो जाता है उसमें,
इनर एचटीएमएल क्या करता है, वो प्रॉब्लम करना शुरू कर देता है, थोड़ा स्लो भी होता है, ये नेटिव नहीं है अप्रोच, ये नेटिव नहीं है। डॉम वाली अप्रोच ज़रा नेटिव है, तो वो थोड़ी स्केलेबल भी है, यानी आप प्रोसेसर बढ़ाओगे तो वो भी तेज़ होता है। ऑन अदर एंड ये ज़रा स्केलेबिलिटी का इसमें इशू है। कहाँ पे मैंने मिस्टेक की है जिसकी वजह से ये मुझे गड़बड़ दिखा रहा है? पोस्ट डॉट एम जे एस में तो कुछ भी नहीं है, ये फ्रंट एंड में इशू है। नहीं, डिलीट की रिक्वेस्ट भले ना हो, अरे अब सही हो गया, अब ये खुद ही सही हो गया। अच्छा, डिलीट का बटन प्रेस करने पे ही आता है ये डिलीट का बटन। हाँ, गेट ऑल पोस्ट में तो है, लेकिन जब गेट ऑल पोस्ट में मैंने डिलीट बना दिया। अच्छा, ये चक्कर पता है क्या है, ये चक्कर ये है कि जो मेरे फंक्शन का नाम रखा है ना डिलीट, ये फंक्शन का नाम डिलीट मैं नहीं रख सकता, मैं इसका नाम रखता हूँ डेल पोस्ट, ठीक है, यानी डिलीट पोस्ट करके रख देता हूँ, क्योंकि विंडो डॉट डिलीट ना कुछ और चीज़ भी होती है, मुझे ऐसा याद पड़ रहा है कि विंडो डॉट डिलीट ना, हाँ देखो अब सही हो गया। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर ना, जैसे नेम के नाम से आप फंक्शन नहीं बना सकते, हालांकि नेम के नाम से कोई रिजर्व कीवर्ड है नहीं, तो इसलिए आपको जावास्क्रिप्ट में हमेशा कोशिश करनी है कि आप अपने फंक्शन वगैरह का जो नाम है ना, वो कम से कम दो वर्ड का रखें। जैसे डिलीट और पोस्ट को मैंने मिला दिया, कम से कम दो वर्ड का रखें। अभी देखो, ये पूरी रात भी ढूंढता रहता ना मैं, इसका हल नहीं था। वो मुझे क्यों फ़ौरन समझ आ गया, क्योंकि मैं इस चीज़ से पहले जूझ चुका हूँ एक दफ़ा, लेकिन आपके केस में अभी पूरी रात भी लगे रहते ना, तो इंटरनेट पे भी इसका कोई तुम्हें प्रॉपर जवाब नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो तुम रिलेट नहीं कर पाओगे कि ये मेरे पास यही हो रहा है या कुछ और हो रहा है। सही है, तो ये वाला चक्कर है। अच्छा, डिलीट पोस्ट बहरहाल अभी जब ये चलता है ना, तो अभी ये अनडिफाइन देता है। सही है, ये देखो, ये अनडिफाइन दे रहा है। अच्छा, अब ये मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें पोस्ट की आईडी को पास करना पड़ेगा। तो मुझे ईच पोस्ट में आईडी मिलती है साथ में? नेटवर्क में जाता हूँ मैं, ज़रा देखता हूँ क्या मिलता है मुझे ईच पोस्ट में। ये है ना मेरी, प्रीव्यू लेता हूँ इसका मैं। मुझे इसमें तीन चीज़ें मिलती हैं, टेक्स्ट, टाइटल और आईडी। तो मुझे टाइटल और टेक्स्ट यहाँ हो गया, आईडी को मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। सही है, आईडी को मैंने यहाँ पास कर दिया, और इसमें ज़रा ये एक स्ट्रिंग भी लगा दूँ मैं। सही है, ये देख लो मैंने गौर से कैसे काम किया है। ये मैंने छोटा वाला स्ट्रिंग जो लगाया ना, ये मैंने किस वजह से लगाया वो भी समझाता हूँ मैं, किस वजह से लगाया। यहाँ पे आके रिफ़्रेश किया, कॉन्सोल पे गया, और जब मैं डिलीट प्रेस करूँगा ना, तो देखो अब आईडी मिलती है। किसी दूसरे कार्ड पे करूँगा तो डिफरेंट आईडी मिलती है, किसी तीसरे पे करूँगा तो डिफरेंट है। देखो, तीन दफ़ा मुझे तीन डिफरेंट आईडी मिली है, तो यहाँ पे मेरा काम हो गया। अब इस आईडी के साथ मैं एपीआई कॉल कर दूँगा, मसला हल हो जाएगा। अच्छा, वो मैंने जो लगाया है ना, उसको देख लो यहाँ पे दिख रहा कैसा है। वो यहाँ पे जो मेरे पास कार्ड रेंडर हुए हैं ना आके, वो कुछ इस तरह के दिख रहे हैं। अब गौर कर रहे हो यहाँ पे क्या हुआ है? ऑन क्लिक, ऑन क्लिक का डबल कोटेशन ओपन और डबल कोटेशन क्लोज, उसके बाद डिलीट पोस्ट का फंक्शन कॉल हुआ है, और उसमें हार्ड कोडेड पैरामीटर यहाँ पे एक लगा हुआ है। अब देखो, अगर मैं ये छोटा वाला एक सिंगल कोड नहीं लगाता अगर, तो क्या होता? वो इसको वेरिएबल कंसिडर करता, क्योंकि स्ट्रिंग तो कोटेशन में होता है ना, अदरवाइज वो उसको वेरिएबल कंसिडर करता, इस नाम का वेरिएबल ढूंढने की कोशिश करता। ठीक है, इसलिए सिंगल कोड लगाना ज़रूरी है। अगर मैं ये सिंगल कोड नहीं लगाऊंगा, वो बोलेगा इस नाम का वेरिएबल नहीं मिल रहा मुझे, ये नाम का वेरिएबल ढूंढेगा फिर वो। अच्छा, ये हो गया जी। अब मैं यहाँ से डिलीट के बटन पे जो है वो एग्जियोस जो मैं कॉल करता था ना, पोस्ट आईडी हो गई, बस एग्जियोस तो कॉल हो चुका है मेरे पास, एग्जियोस कॉल हो चुका है, लेकिन सर्वर पे कुछ होता नहीं है, क्योंकि सर्वर पे एक्चुअल में डिलीट मैंने किया हुआ नहीं है। ठीक है, आ जाओ अब सर्वर पे डिलीट चला लेते हैं। गेट राउट, सही है, ये डिलीट है। इसमें मेरे पास क्या आती है, स्लैश पोस्ट और स्लैश पोस्ट की आईडी, इसी तरह आती है ना। हाँ, स्लैश एपीआई स्लैश v1 पोस्ट और पोस्ट की आईडी। ठीक है, पोस्ट और पोस्ट की आईडी। अब मैंने क्या करना है, इस एरे के अंदर जाना है, और इस एरे के अंदर क्या नाम है मेरे एरे का, पोस्ट नाम है। ठीक है, इसके अंदर जाके उस नाम का तलाश करना है। क्या चलाऊँ यहाँ पे, कौन सा लूप? फॉर लूप चलाऊँगा यहाँ पे मैं। ठीक है, फॉर लूप में एक जगह
एक जगह पे ऑलरेडी चला चुका हूँ, तो मैं क्या करूँगा इसी को उठा के ले आऊँगा यहाँ पर। ठीक है, ये फॉर लूप मैं चला चुका हूँ पहले ही। सबसे पहले मैं पोस्ट की आईडी को चेक करूँगा कि ये क्या है, इज एन एन तो नहीं है कहीं। अच्छा, मेरे पास जो आईडी आती है वो क्या अल्फा न्यूमेरिक है, कौन सी है? आईडी को मैंने डिस्प्ले नहीं करवाया ना। अल्फा न्यूमेरिक है ना, इज एन एन, इस पर चेक नहीं करना बनता मेरा। सही है, ये इज एन एन चेक कर रहा हूँ, इस पर ये ब्रेक हो जाएगा क्योंकि वो है ही अल्फा न्यूमेरिक मेरे पास। मैं बस चेक कर लूँगा कि यार अगर नॉट है ना, ये बस इसका होना ज़रूरी है। मैं ये चेक कर लेता हूँ कि इस पर क्या है, इसका होना ज़रूरी है। वैलिड आईडी लिख दिया वहाँ पे भी, गेट में भी एरर देगा ये, गेट से भी ये इज एन एन हटाना पड़ेगा मुझे। सही है, नैनो आईडी को इस्तेमाल करते हुए हमने जो यहाँ पे किया था ना, ये जो नैनो आईडी का इस्तेमाल किया हमने, इसमें कस्टम अल्फ़ाबेट होता है कि जी फला फला अल्फ़ाबेट से आप बनाओ, तो वो फिर उसमें ये होता है कि हम चाहे नंबर बना लें या सिर्फ अल्फ़ाबेट बना लें, इस तरह की हम चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हमने कुछ नहीं किया, तो वो अल्फा न्यूमेरिक मिक्स दे रहा है मुझे यूनिक आईडी। ठीक है जी, तो गेट से भी मैंने क्या कर दिया, इज एन एन को हटा दिया और उसको मैं बंद कर देता हूँ। अब मैं डिलीट में आता हूँ वापस, मैंने चेक किया कि भाई ये पोस्ट आईडी का होना ज़रूरी है। ठीक है, ये नो अल्फ़ाबेट इज़ अलाउड, हटा देता हूँ मैं। पोस्ट आईडी मस्ट बी अ वैलिड आईडी, सही है, इसका होना ज़रूरी है। अच्छा, फॉर का लूप चलाता हूँ, पोस्ट की लेंथ है जितनी उतनी दफ़ा चलाता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, हर पोस्ट की आईडी को कंपेयर करता हूँ किसके साथ, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट पोस्ट आईडी के साथ, जिससे मैच हो जाती है। पहले मैं उसको सेंड करता था यहाँ से, है ना, लेकिन अब की बार मैं क्या करूँगा, जिससे मैच होगा उसको मैं डिलीट करूँगा। तो मैं बोलूँगा कि भाई अपना पोस्ट डॉट स्प्लाइस और आई कॉमा वन। सही है, आई का मतलब होता है कि जहाँ से शुरू करना है और कितने आइटम को रिमूव करना है, और तीसरा ये होता है यहाँ पे कि इंसर्ट कितना करना है। तो हमने इंसर्ट तो कोई भी नहीं करना फिलहाल, तो बस ये आई कॉमा वन लिखा मैंने, तो मेरा काम हो गया यहाँ पे। और इसी जगह पे मैंने क्या कर दिया, इसको रिटर्न करवा दिया। इसको रिटर्न करवाने की वजह से क्या हुआ, ये फॉर का लूप वगैरह सब कुछ क्या हो गया, ब्रेक हो गया। और जैसे ही ये रिटर्न कॉल होगा तो यहाँ पे नीचे यहाँ पर आ जाएगा ये, और यहाँ पे आके ये क्या बोलेगा, यहाँ पे आके बोलेगा पोस्ट नॉट फाउंड विथ आईडी दिस। इसका क्या हल है, इसका हल ये है कि मैं रिटर्न कराने से पहले ना यहाँ रिस्पॉन्स भेज दूँ, क्योंकि जब ये रिटर्न कॉल करेगा ना, रिटर्न किसको ख़त्म करने के लिए होता है, फंक्शन को ख़त्म करने के लिए होता है। तो इसमें फंक्शन कौन सा है, इफ़ तो फंक्शन नहीं होता ना, फॉर फंक्शन है, फंक्शन है ये वाला पूरा मिडलवेयर, ये पूरे मिडलवेयर को ही ब्रेक कर देगा। तो वो कभी फॉर से निकल के जो है ना, ये यानी फॉर से निकलने के बाद वो इस जगह पे पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है, इस जगह पे उसी सूरत में पहुंचेगा जब क्या होगा, वो कोई मिलेगा नहीं जब पहुंचेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहीं पे इस जगह पे क्या करना पड़ेगा, पोस्ट डिलीटेड विथ आईडी, और उसके आगे मैंने आईडी लगा दी। ठीक है, ये हो गया, और ये बोलने के बाद मैंने रिटर्न कॉल किया। अदरवाइज अगर ये इफ़ ट्रू नहीं होगा कभी भी, तो ये वाला चल जाएगा आगे, और नीचे लास्ट में ये लिखा हुआ ये वैसे ही है, उसको मैं हटा देता हूँ, पोस्ट नॉट फाउंड विद दिस। तो ये मैंने डिलीट की एपीआई यहाँ पे क्या कर दी, कंप्लीट कर दी। रिफ़्रेश करता हूँ इसको, और रिफ़्रेश करके मैं क्या करता हूँ, अच्छा एक ही पोस्ट है फिलहाल, तो मैं एक पोस्ट और कर देता हूँ। एक पोस्ट क्यों है, क्योंकि मैं जब भी रिफ़्रेश करता हूँ वेरिएबल रीसेट हो जाता है वो। ठीक है, और मैं ये एबीसी वाली पोस्ट को क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ये डिलीट हो गया, दूसरे को डिलीट किया, डिलीट हो गया। रिफ़्रेश करूँगा, कोई पोस्ट नहीं है इस वक्त। ठीक है, अब यहाँ पे से नई पोस्ट बनाऊँगा। अच्छा, फ्रंट एंड को जितनी दफ़ा भी रीसेट करूँ, रिफ़्रेश करूँ, वो इशू नहीं है। सर्वर को जब मैं रिफ़्रेश करूँगा ना, फिर वो रीसेट होता है वेरिएबल। ठीक है, मैंने दोबारा से एक पोस्ट यहाँ पे तैयार की। सही है, ये तीन चार पोस्ट मेरे पास क्या हो गई है, तैयार हो गई है। और जो भी मैं नई पोस्ट यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, वो कहाँ जाती है, लास्ट में चली जाती है। ठीक है, कहाँ जाना चाहिए उसको, उसको टॉप पे आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, जो गेट ऑल पोस्ट वाला जो मेरा यहाँ लगा हुआ है, इस पर मैं बोलूँगा डॉट रिवर्स, सर्वर से उसको मैं रिवर्स करके भेजूँगा पूरे एरे को। ठीक है, सर्वर से या तो रिवर्स कर दूँगा या तो फ्रंट एंड पे लाके कर दूँगा। तो मेरे लिए क्या है अप्रोप्रिएट है कि मैं कौन कहाँ पे करूँ, सर्वर पे करूँ या फ्रंट एंड पे करूँ, क्यों? सर्वर पे करूं या फ्रंट एंड पे करूं, और क्यों करूं?
देखो आइडियली मुझे ना ये डेटाबेस से करके मंगवाना है। आइडियली क्या होना चाहिए कि मैं डेटाबेस में जब क्वेरी चलाऊँ ना तो वहीं पे से मैं रिवर्स करके मंगवाऊँ, क्योंकि डेटाबेस में ऑलरेडी प्रोसेसिंग हो रही होती है, वो तलाश वलाश करने का काम कर रहा होता है, तो वहाँ से रिवर्स करके वो ले आता है। फिर डेटाबेस में ना ऐसी टेक्निक लगी हुई होती है कि वो बेस्ट पॉसिबल तरीके से उसको रिवर्स करता है, ठीक है। तो या तो मैं डेटाबेस से उसको रिवर्स करके मंगवाऊँ, ठीक है। दूसरी अप्रोच ये हो सकती है, क्योंकि मेरे पास तो डेटाबेस अभी है नहीं, तो मैं जब इसको रखवाऊँ ना तो मैं इसको क्या करूँ, ये जो मैं करता हूँ ना यहाँ पे पुश नहीं करूँ इसको, मैं फिर मैं बनाऊँ ही उल्टा इसको इन द फर्स्ट प्लेस। पुश का अपोजिट क्या होता है, पुश आखिर में पुश करता है। अगर मुझे शुरू में पुश कराना है तो अनशिफ्ट होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अनशिफ्ट करूँगा तो मेरा मसला ऑटोमेटिकली हल हो गया। ये रिवर्स मैं यहाँ पे कभी भी नहीं लगाऊँगा। क्यों नहीं लगाऊँगा ये रिवर्स मैं यहाँ पे क्यों नहीं लगाऊँगा, क्या मसला है? अगर यहाँ लगा दूँ तो क्या इशू है? सही है, अब जो मैं कर रहा हूँ टॉप पे आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है कि मैंने बनाया ही उल्टा है। रेको जब भी नई पोस्ट आती है मैं उल्टा उस तरफ फेंक रहा होता हूँ उसके। यहाँ पे रिवर्स लगाने में मसला ये है कि मेरे सर्वर की जो रिसोर्सेज होती हैं वो लिमिटेड होती है, सही है। क्योंकि सर्वर पे अगर 100,000 लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो एक बिट का मतलब होता है 100,000 बिट, हर यूज़र के लिए वो बिट बनेगा। तो एक बिट भी एक्स्ट्रा लगाया मैंने, उसका मतलब होता है 100,000 बिट, 100,000 यूज़र का मतलब है, सही है। तो आइडियली हम क्या करते हैं, इसको फ्रंट एंड पे करेंगे। अगर ये रिवर्स वाला काम मैंने करना है ना, डेटाबेस से अगर सीधा सीधा मंगवा लिया मैंने, तो फिर मैं सर्वर पे उसको नहीं छेड़छाड़ करूँगा उसके साथ, फिर मैं उसको ले जाऊँगा फ्रंट एंड के ऊपर। और जी हम जो मज़े से मैप वगैरह और ये फॉर लूप और ये सर्वर पे ये सब कुछ कर रहे हैं ना, ये वाला ये फॉर लूप, भाई मेरे पास तो टोटल 500 पोस्ट हैं अगर, और मैंने जो पोस्ट मंगवाई है वो मुझे 200 नंबर पर मिल गई, तो 200-300 साइकिल बचा के तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना यार। फॉर लूप अगर 200 साइकिल ज़्यादा चल जाएगा तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ नहीं होगा, जब ये रियल एनवायरनमेंट में जाएगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। अगर 200 साइकिल एक्स्ट्रा चल रहा है ना एक यूज़र के लिए, तो 100,000 यूज़र के लिए पता नहीं 200,000 साइकिल हो जाएगा, वो 200,000 साइकिल हो जाएगा, सही है, 100,000 यूज़र के लिए। तो 200,000 साइकिल का मतलब होता है अच्छा खासा CPU आवर, पूरे कई घंटे CPU के बनते हैं ये। तो ये एक एक वेरिएबल और एक एक जो लूप चला रहे होते हैं हम, एक एक कंडीशन लगा रहे होते हैं सर्वर पे, वो हमें बहुत सोच समझ के और बहुत एहतियात से लगाना होता है। सर्वर की रिसोर्सेज को हमें ज़ाया नहीं करना होता, बचाना होता है सर्वर की रिसोर्सेज को, ठीक है। स्टिल हमने जो इस क्लास में कोड लिखा है ना, ये जो सर्वर का, ये हमने कोई बहुत ज़्यादा सोच समझ के नहीं लिखा है, ठीक है। इसको कहते हैं हम ऑप्टिमाइज़ करना, कोड की ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं इसको, कि कोड को ज़रा फास्ट बनाना या उसको कम से कम प्रोसेसिंग पावर को इस्तेमाल करते हुए चले, इसको कहते हैं हम कोड की ऑप्टिमाइजेशन। तो दिस इज़ नॉट एन ऑप्टिमाइज्ड कोड, इसकी मज़ीद ऑप्टिमाइजेशन हो सकती है, ठीक है। जैसा कि अभी मैंने किया, जो इसको मैंने अनशिफ्ट किया है पुश की जगह, दिस वॉज एन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। इसी तरीके से अगर कहीं पर मैंने कोई ऐसी चीज़ लगाई है, अभी भेज दो, अभी मुझे और मज़ीद कोई ऑप्टिमाइजेशन अभी फौरी तौर पे नज़र नहीं आ रही, लेकिन आई एम श्योर कि इसमें होगी ऑप्टिमाइजेशन मज़ीद, ठीक है। अच्छा, बिला वजह के सम टाइम वेरिएबल्स बने हुए होते हैं हमारे पास। अभी तो क्योंकि हमने कोड ही बहुत माइनर सा लिखा है, बहुत ही सिंपल और शॉर्ट सा कोड लिखा है, तो इसमें शायद इतना पता नहीं चलेगा। अभी हमने किसी किस्म की कोई इतनी लॉजिक नहीं लगाई यहाँ पे ना, जस्ट एक सिंपल फॉर का लूप चल रहा है और दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, एक ऑप्टिमाइजेशन मुझे अभी याद आ गई। जैसे मेरे पास है ना 200 पोस्ट है, अगर मेरे पास 200 पोस्ट है तो मैं फॉर का लूप चलाऊंगा, तो मेरे पास बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा और वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा? बेस्ट केस ये होगा कि पहली ही दफ़ा में मुझे वो पोस्ट मिल जाए, यानी पहला साइकिल जैसी घूमे ना, वो पहले नंबर पे वो पोस्ट मुझे मिल जाए कि यार यही पोस्ट है, ये बेस्ट केस होगा। और वर्स्ट केस ये होगा कि मुझे बिल्कुल आखिरी दफ़ा में मिले, यानी 200 साइकिल पूरा घूम जाए, क्योंकि मेरे पास 200 पोस्ट है, या चलो 500 पोस्ट है, तो 500 साइकिल घूम के 500 साइकिल में मिले, ठीक है। तो अब इसके अंदर सीन ये होता है कि मेरे पास या तो ये फॉर का लूप घूमेगा एक दफ़ा, या तो घूमेगा 200 दफ़ा। क्या कोई ऐसी अप्रोच हो सकती है कि ये 200 दफ़ा ना घूमे, 200 दफ़ा ना घूमे, ये कोई ऐसी अप्रोच हो सकती है? पहले पहले
अच्छा वेल उसने सही बात बता दी है, नाम नहीं तुम्हें पता लेकिन बात तुमने सही कर दी है। इसको हम कहते हैं सर्च टेक्निक या सर्च एल्गोरिथम्स कहते हैं इसको। ये वाला जो सर्च एल्गोरिथम है ना, इसको हम कहते हैं लीनियर सर्च। क्या कहते हैं? अच्छा ये चीज़ अगर किसी को मज़ीद पढ़नी हो तो ये हम पढ़ते हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। ये सब्जेक्ट का नाम है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहिए लेकिन नहीं पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं मतलब ऐसी पेलम पाली करते हैं पढ़ाने में ना। तो वेल इसको क्या कहते हैं, इस टेक्निक को लीनियर सर्च कहते हैं। अच्छा लीनियर सर्च के अलावा भी बहुत सारे सर्च के टेक्निक्स होती हैं। तुम जाके लिखोगे यहाँ पे कि टॉप सर्च अल्गोरिथम्स, तो ये लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, लीनियर सर्च और सेंटिनियल सर्च, ये मैंने कभी नाम नहीं सुना इसका। बाइनरी सर्च बहुत फेमस है। डेटाबेस में जब भी आप लगाते हो ना कंडीशन, डेटाबेस से जब भी आप क्वेरी करते हो तो मोस्टली उसमें क्या होता है, बाइनरी सर्च अप्लाई करता है वो, ख़ास तौर पे उस वक्त जब आप आईडी से मंगवाते हो। आईडी में तो वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सर्च का इस्तेमाल करता है। ठीक है, उसके अलावा ये टर्नरी सर्च है, एक जंप सर्च है, और भी ये सारे सर्च हैं। अब इसको अगर आप कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है जाके ना, कि सर्च अल्गोरिथम और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इसी तरह सॉल्टिंग अल्गोरिथम होते हैं कि जी एक एरे है उसको मैंने सॉल्ट करना है, तो सॉल्टिंग अल्गोरिथम्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ना सॉल्ट अल्गोरिथम, तो यहाँ पे आ गई बबल सॉल्ट, मर्ज सॉल्ट, ठीक है, इंसर्शन सॉल्ट, सिलेक्शन सॉल्ट, क्विक सॉल्ट, ये सारे सॉल्ट के अल्गोरिथम हैं कि जी एक एरे को मैं कैसे करके मैं जल्दी से जल्दी सॉल्ट कर लूँ। ठीक है, अब जल्दी का भी केस नहीं है, असल में जल्दी का भी केस नहीं है। जैसे ये बबल सॉल्ट है ना, तो एक हमेशा ना देखो क्या होता है कंप्यूटर साइंस में, हमेशा जो जंग है ना वो टाइम और स्पेस की जंग है। अगर आपको कंप्यूटिंग पावर बचानी है तो आपको स्पेस ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अगर आपको कंप्यूटिंग पावर आप बचाना नहीं चाह रहे तो स्पेस आप बचा सकते हैं। ठीक है, तो अगर स्पेस बचाओगे तो कंप्यूटिंग पावर ज़्यादा लगेगी, कंप्यूटिंग पावर बचाओगे तो स्पेस ज़्यादा लगेगा। डिपेंड करता है कि आपके केस में ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है, कंप्यूटिंग पावर ज़्यादा बचाना ज़रूरी है या स्पेस को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अभी जैसे आजकल के बहुत सारे नए डेटाबेसेस हैं जो वो क्या करते हैं, वो प्रोसेसिंग पावर को बचाते हैं और रैम बोलते हैं रैम खुला कर देते हैं। ठीक है, तो उनको 200 GB रैम चाहिए होता है सिर्फ चलने के लिए, स्टार्ट होने के लिए। जैसे इलास्टिक करके एक चीज़ है, टेक्नोलॉजी है, ठीक है, काइंड ऑफ डेटाबेस है वो, तो उसमें क्या होता है कि उसको मिनिमम 60-70 GB रैम उसको चाहिए होती है चलने के लिए। तो वो पूरा का पूरा जो डेटाबेस होता है ना वो वेरिएबल में रखा हुआ होता है उसने रैम के अंदर। लेकिन उसका फ़ायदा क्या होता है इलास्टिक का, कि वो बहुत तेज़ी से सर्च करके लाता है, स्पीड उसकी बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो कंप्यूटिंग पावर को बचाते हैं और स्पेस को खुला किया हुआ है। अच्छा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे, जैसे कि मोंगो डीबी है या दूसरे डेटाबेसेस हैं, जैसे सीक्वल डेटाबेस भी है, उसमें भी क्या होता है कि आपका जो स्पेस होता है ना उसको वो बचाते हैं। स्पेस क्यों बचाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है डेटाबेस सालों साल का बन रहा होता है, फिर उसका बैकअप भी लेना होता है, कभी 2-3 जगहों पर उसको अलग अलग जगहों पर स्टोर करना होता है, तो वो ज़रा फिर कंप्यूटिंग पावर को जो है ना थोड़ा खुला करते हैं और स्टोरेज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, स्टोरेज को बचाते हैं। ठीक है, लेकिन बहरहाल MongoDB में ऐसा नहीं किया हुआ इन्होंने कि बिल्कुल ही कोई बहुत ज़्यादा वो कर दिया हो, एक दरमियाना कहीं रास्ता अख्तियार करना होता है। तो अलग अलग सिनेरियो में, अलग अलग यूज़ केसेस में ना ये जो सॉल्टिंग एल्गोरिथम है ये अलग अलग यूज़ होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या टाइम बचाना चाह रहे हैं या आप स्पेस बचाना चाह रहे हैं, टाइम और स्पेस की जंग है। ठीक है, इसी तरीके से हमने जो किया है, अभी हमने जो ये वाला काम किया है ना, ये हमने क्या बचाया है, हमने स्पेस बचाया अपना, हमने वेरिएबल कोई नहीं बनाया है। यहाँ पे देखो अंदर हमने डायरेक्ट बस उसको मैच किया है और कंप्यूटिंग पावर पे हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया है। अच्छा एक आखिरी बात करके फिर आपको मैं रिलीज करता हूँ कि ये घूमेगा मिनिमम एक दफ़ा और मैक्सिमम 500 दफ़ा अगर मेरे पास टोटल पोस्ट 500 है। जो बाइनरी सर्च है ना उसके अंदर ये मैक्सिमम घूमा भी देना शायद 10 दफ़ा घूमेगा, 10 दफ़ा में ये रिज़ल्ट ला देगा, और अगर नहीं होगा तो वो भी बता देगा कि नहीं है। ठीक है, अब क्या करता है वो बाइनरी सर्च, ऐसा वो देख लेना अलग से आप लोग, बहुत सारी यूट्यूब पर ट्यूटोरियल हैं, आप लिखो के जाके हाउ बाइनरी सर्च वर्क, सारा कुछ आ जाएगा कि जी कैसे होता है। ठीक है, बाइनरी सर्च के लिए एक शर्त होती है कि जो आपकी जो एरे है ना आपका, जिस पर सर्च आपने चलाना है, वो एरे सॉर्टेड होना चाहिए। ठीक है, सॉर्टेड का मतलब है कि ज़रूरी नहीं कि नंबर ही है ही तो सॉर्ट होगा,
एक लेक्सिकल भी तो ऑर्डर होता है ना, हमने ये देखा था कि जो स्ट्रिंग होता है जो वो डिक्शनरी ऑर्डर में सॉर्ट हुआ हुआ होता है, तो आइदर वो अगर स्ट्रिंग है तो वो डिक्शनरी ऑर्डर में सॉर्ट होगा, या अगर वो नंबर है तो वो जो न्यूमेरिक ऑर्डर है उसमें वो सॉर्ट होगा। सॉर्ट होना उसका ज़रूरी है, अदरवाइज उस पर आप बाइनरी सर्च नहीं चला सकते। ठीक है, तो बाइनरी सर्च अगर हम लगाएंगे तो मुश्किल से ये 10 या 12 दफ़ा घूमेगा। अगर हमारे पास मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड भी होते हैं ना, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 साइकिल लेता है और मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड में से डेटा निकाल के ले आता है, अगर मौजूद होता है, अगर नहीं होता तो बता देता है। हाँ ठीक है, तो उसमें लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब नई पोस्ट आती है तो हमें सॉर्ट करके उसको एक दरमियान में डालना होता है जहाँ उसकी जगह है, जभी तो पूरा एरिया मेरा सॉर्ट रहेगा ना। ठीक है, वेल ठीक है जी, तो अभी आप सब लोग चले जाएँ नमाज़ पढ़ने, वापस आके जो है ना फिर इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। API बना ली है डिलीट की और डिलीट हमारा काम करना शुरू हो गया इस पॉइंट पे आगे। तो अब हमने एडिट वाले को करना है, तो एडिट का पहले सर्वर का काम कर लेते हैं। सर्वर पे हमारे पास क्या है जी, पुट की एक API बनी हुई है, और पुट की API पे क्या करना है हमें, हमारे पास एक रिक्वेस्ट आएगी जिसमें पोस्ट की ID मौजूद होगी, और साथ ही साथ क्या होगा, बॉडी के अंदर हमारे पास वो सारी चीज़ें भी आ जाएंगी जो पोस्ट में होती हैं, मिसाल के तौर पर टाइटल और टेक्स्ट। टाइटल के अंदर कुछ ना कुछ अपडेटेड टाइटल, और साथ में टेक्स्ट के अगेंस्ट मुझे क्या मिलेगा, अपडेटेड टेक्स्ट मिलेगा। सही है जी, अपडेटेड टेक्स्ट और अपडेटेड टाइटल मुझे इस तरह करके बॉडी में मिल जाएगा। और मैंने क्या करना है, मैंने उस पोस्ट को तलाश करना है जिस पोस्ट की मुझे ID मिली है, और जब वो पोस्ट मुझे मिल जाएगी तो मैं क्या करूँगा, फिर मैं उसको अपडेट कर दूँगा ना, चेक थोड़ी करूँगा, मैं उसको अपडेट कर दूँगा। अरे बच्चा, जब मिल जाएगी, जब पूछ रहा हूँ, सही है। तो वही वाला पूरा का पूरा कोड है जो डिलीट में था, यानी पहले मैंने इफ लगा के चेक किया भाई पोस्ट की ID एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। सही है, हाँ जी एग्जिस्ट करती है पोस्ट की ID। अब एग्जिस्ट करने के बाद का क्या काम है कि मैं फॉर का लूप चलाऊंगा, जितनी पोस्ट की लेंथ है उतनी दफ़ा, हर दफ़ा ID चेक करूंगा। ID अगर मुझे मिल जाती है तो मैं डिलीट में क्या करता था, स्प्लाइस करके डिलीट मार देता था, लेकिन अब की बार में मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा पोस्ट की ID, पोस्ट का जो इंडेक्स है I इक्वल्स क्या कर दो, उसके एक ऑब्जेक्ट रख दो उसके अंदर, जिसमें क्या कर दो, टेक्स्ट इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टेक्स्ट, सही है, और टाइटल इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टाइटल। ठीक है, अच्छा ये दोनों चीज़ भी जाहिर है फिर बॉडी में होना ज़रूरी है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे इन चीज़ों के लिए भी चेक कर लूँगा ज़रा, कि अगर नॉट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टेक्स्ट या नॉट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टाइटल, तो ये चीज़ें भी होनी चाहिए। अच्छा और भी लगा दूँ ज़रा मैं यहाँ पे फिर, सही है, ताकि कोई एक भी इसमें से नॉट हो जाए तो वो मुझे बता दे। सही है, अगर ये नॉट हो जाए या ये नॉट हो जाए या ये नॉट हो जाए तो मुझे वो बता दे। सही है, वैसे तो ये पैराम्स तो कभी भी नॉट हो नहीं सकता, क्योंकि पैराम्स जब तक होगा नहीं ये URL ही हिट नहीं होगा, कहीं और हिट हो जाएगा अगर वो पैराम्स अगर नहीं हुआ तो। ठीक है, हाँ मैं यहाँ पे फिर एक बॉडी भी बना दूंगा कि भाई एग्जाम्पल पुट बॉडी, और एग्जाम्पल पोर्ट पुट बॉडी करके ना मैं ऐसे ही ये पूरी बात कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे जो पूरी बात मैंने लिखी थी ना, ये पूरी बात मैं यहाँ पे लिख दूंगा। सही है, मैंने कहा भाई पुट की रिक्वेस्ट करोगे आप और पोस्ट लगाओगे, और पोस्ट के बाद क्या दोगे, पोस्ट की आप ID दोगे ऐसे। ठीक है, ऐसे करोगे पुट, और बॉडी के अंदर आप ये चीज़ भेजोगे। तो मैंने एग्जाम्पल बॉडी की पूरी बात बता दी, तो ये क्या हो गया, सेल्फ डॉक्यूमेंटेड भी हो गया। सही है, अच्छा नीचे की भी लॉजिक मेरी कंप्लीट हो गई है। अच्छा पोस्ट को जब मैं ये चेंज कर दूंगा तो क्या होगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा कि भाई पोस्ट अपडेटेड विथ ID और ये पोस्ट। ठीक है, अदरवाइज़ अगर ये पूरा चल के ख़त्म हो गया और ये फिट नहीं हुआ तो लास्ट में ये वाला रन होगा और ये क्या बता देगा कि भाई पोस्ट नॉट फाउंड करके ये बोल देगा कि भाई इस नाम से पोस्ट ही नहीं मिला मुझे। सही है, तो मेरा ये अपडेट का भी काम क्या हो गया,
बैक एंड वाला कंप्लीट हो गया, अब मैंने फ्रंट एंड पे ये काम करना है। क्या नहीं बन पाएगा? बटन पे क्लिक करेगा, तुम ये कह रहे हो आईडी कभी गलत आ ही नहीं सकती। तो तुम यही कह रहे हो ना कि पोस्ट की आईडी कभी गलत नहीं आ सकती, ये कह रहे हो ना तुम? ये पोस्ट की आईडी हमेशा सही आएगी क्योंकि बटन से क्लिक हो के आ रहा है, ठीक है। लेकिन सर्वर पे मैं वैलिडेशन लगाऊंगा स्टिल कि ये गलत तो नहीं है कहीं, क्योंकि अगर गलत है तो मैं शुरू में ही रोक दूंगा ना उसको यार, अदरवाइज़ वो आगे जाके पूरी प्रोसेसिंग पावर यूज़ करने के बाद मुझे पता चले, ठीक है। तो अगर किसी किस्म का कोई पैटर्न होगा तो मैं शुरू में ही उसको लगा दूंगा, कोई ऐसी चीज़ होगी तो, ठीक है। बात तुम्हारी सही है कि वो बटन से क्लिक होकर आ रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो मेरे ही फ्रंट एंड से कॉल हो। एक ही API होती है, वो वेब से भी कॉल हो रही होती है, वो मोबाइल ऐप से भी कॉल हो रही होती है, वो पोस्टमैन से डायरेक्ट भी कॉल हो रही होती है। तो कहीं ना कहीं से पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि वो आईडी गलत भेज सकता है बंदा, ठीक है। वो तो प्रोडक्शन में इस तरह चल रही होगी ना कि भाई फ्रंट एंड से कॉल होगी, लेकिन डेवलपर तो पोस्टमैन से पहले चला के हिट करके देखेगा ना। अच्छा भाई, तो ये पुट मेरा कंप्लीट हो गया, सर्वर पे मेरे जितने भी काम थे वो सारे के सारे काम क्या हो गए? कंप्लीट हो गए, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये नंबर लगा हुआ छोड़ दिया है, सही है, कुछ जगहों पे इसको हटा देता हूँ मैं जस्ट। अब मैंने क्या करना है, फ्रंट एंड पे जाके एडिट को इम्प्लीमेंट करना है। एडिट को मैं कैसे इम्प्लीमेंट करूँगा? मेरे पास अभी जो दिखता है वो क्या दिखता है, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास एक पोस्ट दिखती है जिसमें डिलीट का बटन मौजूद है, लेकिन एडिट का बटन भी मौजूद है, लेकिन एडिट का बटन काम नहीं कर रहा, एडिट के बटन दबाने पे कुछ भी नहीं होता। अच्छा, तो मैंने क्या करवाना है अब एडिट के बटन पे, कि जैसे ही एडिट का बटन क्लिक हो तो कहीं ना कहीं मुझे एक फॉर्म दिख जाए जिसमें मैं क्या कर सकूँ, अपने पोस्ट की जो अपडेट है वो एंटर कर सकूँ। तो मैं ये काम कैसे करूँगा, मैं कोई ना कोई ज़ाहिर एक फंक्शन बनाऊँगा मैं, कि विंडो डॉट एडिट इक्वल्स टू अ फंक्शन, सही है। फंक्शन भी बना सकता हूँ या ऐसे मैं एरो फंक्शन भी लगा सकता हूँ, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं है दोनों में, सही है। फ़र्क है वैसे, ES5 ES6 का फ़र्क है, लेकिन वैसे कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, इसमें अब मैं क्या करूँगा, इसमें अब मैं ये करूँगा कि ज़ाहिर है जब ये एडिट का बटन हिट होगा तो मुझे ID मिलेगी एक अदद, कि जी ये किस वाले पे हिट हुआ है, यानी कौन से वाले पोस्ट पे एडिट, क्योंकि एडिट का बटन तो हर पोस्ट पे है, तो मुझे यहाँ पे पोस्ट आईडी मिलेगी। एक्चुअली मिलेगी नहीं, मुझे ऐसी सेटिंग करनी पड़ेगी कि मुझे मिले यहाँ पे पोस्ट की आईडी। अच्छा, अब मेरे पास पोस्ट की आईडी आ चुकी है, अब क्या करूँगा मैं अगला काम? जब मैं पोस्ट की आईडी यहाँ से पकड़ता हूँ ना, तो पोस्ट की आईडी पकड़ने के बाद मुझे एक फॉर्म डिस्प्ले कराना है। आइडियली वो फॉर्म मैं कहाँ डिस्प्ले करा दूँ? आइडियली ये हो कि इसी कार्ड में ही डिस्प्ले करा दूँ, इसी कार्ड के अंदर ही डिस्प्ले करा दूँ, आइडियल ये हो। या अगर मैं यहाँ पे भी करा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे करवाने से क्या होगा कि वो यूज़र रिलेट नहीं कर पाएगा कि ये फॉर्म किसके लिए खुला है, किसके एडिट के लिए फॉर्म ये खुला है, तो वो रिलेट नहीं कर पाएगा यूज़र। तो मैं पोस्ट आईडी के ज़रिए क्या करना चाहता हूँ, मैं इस डिव को गेट करना चाहता हूँ। इस डिव को तो मैं गेट कर ही नहीं सकता, इस डिव को मैं इसलिए नहीं गेट कर सकता कि इस डिव पे कोई आईडी थोड़ी लगी हुई है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मैं ये बनाता था ना कार्ड पूरा का पूरा, ये पोस्ट कार्ड, अच्छा पोस्ट कार्ड करके अगर मैं गेट करूँगा तो सारे कार्ड आ जाएंगे, क्योंकि सब पे आईडी तो सेम है, मतलब क्लास तो सब पे सेम है। तो यहाँ पे मैं कहता था आईडी दूंगा, क्या आईडी दे दूँ इसको मैं, जो पोस्ट की आईडी है वही इसको आईडी दे देता हूँ, ठीक है। जो पोस्ट की आईडी यहाँ पे मौजूद है मेरे पास, वही आईडी मैं इसको भी दे देता हूँ यहाँ पे। तो अब जो मेरा कार्ड रेंडर होगा स्क्रीन के ऊपर, अगर मैं रिफ्रेश करूँ यहाँ पे और इसको आके इंस्पेक्शन करूँ इसकी, तो हर कार्ड के डिव के ऊपर क्या बना हुआ रहा होगा, एक आईडी भी यहाँ पे बनी हुई आ रही होगी, ठीक है। अभी मेरे पास क्योंकि एक ही कार्ड है, चलो मैं दो चार कार्ड और भी बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। टोटल मेरे पास तीन कार्ड इस वक्त हो चुके हैं,
ये देख रहे हो, पहला कार्ड, दूसरा कार्ड और ये तीसरा कार्ड। ठीक है, अगर मैं इसको ज़रा जूम आउट कर दूँ तो ये पहला कार्ड, ये दूसरा कार्ड और ये तीसरा कार्ड। लेकिन हर आईडी, हर कार्ड का जो डिव है उसमें एक आईडी लगी हुई है, और ये वही आईडी है जो उस पोस्ट की आईडी है। ठीक है, तो मैं अब क्या कर सकता हूँ, अच्छा, एडिट के बटन के क्लिक पे भी मुझे, जैसे डिलीट पे पोस्ट की आईडी देता था ना मैं, इसी तरह एडिट के बटन पे भी मुझे सेम चीज़ देनी है आईडी। ठीक है, ये तो बात कोई मतलब समझ आ चुकी है आपको पहले से ही। तो अब क्या होगा कि जब मैं एडिट पोस्ट का बटन ये क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगी, अब एक अदद आईडी मिलेगी, जैसे डिलीट में मिलती थी वैसी सेम इसमें भी मिलेगी। ठीक है, पोस्ट आईडी, देखते हैं ज़रा चला के कि ये वाकई में मिलना शुरू हो गई है या। ठीक है, रिफ़्रेश कर लिया इसको मैंने, और रिफ़्रेश करके मैं एडिट का बटन पहली दफ़ा दबाता हूँ तो एक आईडी मिलती है, दूसरी दफ़ा दबाता हूँ तो दूसरी मिलती है। ये डिलीट क्यों होता जा रहा है भाई? अच्छा, हाँ हाँ, मैंने डुप्लीकेट मारा है ना, तो एडिट पोस्ट करना था ना इसको तो। अरे यार, एडिट पोस्ट बनाया ना, एडिट पोस्ट कर देते हैं इसमें। ठीक है, डिलीट पोस्ट, एडिट पोस्ट, सिमिलर नाम। ठीक है, इसको यूनिफॉर्म रिसोर्स, यूनिफॉर्म रिसोर्स वैसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट तो नहीं होता, मतलब कंप्लाई नहीं होता यहाँ पे, लेकिन मैंने वैसे ही उसको ज़रा सिमिलर नाम रख दिया उसका ना। ठीक है, तो ये तीन चार पोस्ट मैंने बना दी। अब मैं एडिट का बटन दबाता हूँ इस पर, तो क्या कह रहा है, एडिट पोस्ट इज़ नॉट डिफाइंड, क्यों? एडिट पोस्ट सही तो है दोनों जगह, पोस्ट आईडी लिखा है ना यहाँ मैंने, सही तो लिखा है। मुझे लग रहा है मैंने शायद रिफ्रेश नहीं किया, हाँ वो रिफ्रेश नहीं किया था मैंने अपडेट करने के बाद। ठीक है, अब एडिट का बटन दबा रहा हूँ तो मुझे हर एडिट के बटन के क्लिक पे क्या मिलता है, एक मुख्तलिफ आईडी मिलती है। सही है, हर क्लिक पे एक अलग आईडी मिल रही है मुझे। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इस आईडी से मैं करता हूँ कि भाई डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और इस आईडी से मैं क्या कर देता हूँ, मैंने कहा यार इस आईडी से ना उठाओ पूरा एलिमेंट उठाओ, और पूरा एलिमेंट उठाने के बाद क्या करो, डॉट इनर एच टी एम एल इक्वल्स टू प्लस इक्वल्स टू ना, क्योंकि अंदर की चीज़ें उड़ानी थोड़ी है मुझे, प्लस इक्वल्स टू और एक अदद यहाँ पे क्या रखवा दो, फॉर्म। सही है, फॉर्म डिस्प्ले करवाना है ना मैंने उसके अंदर, फॉर्म लगा दो यहाँ पे, उसमें क्या लगा दो, एक अदद इनपुट, और पहले वाले इनपुट पे क्या लगा दो, टाइटल, और टाइप इसकी टेक्स्ट, और कुछ ना कुछ आईडी भी दे दो, क्लोजिंग टैग, इनपुट सेल्फ क्लोजिंग है ये कह रहे हो, हाँ इनपुट सेल्फ क्लोजिंग होता है ना। सही है, तो ये मैंने क्या करवा दिया, एक फॉर्म डिस्प्ले करवा दिया। अब क्या होगा, जैसे ही एडिट का बटन दबाऊंगा मैं, ये क्या हुआ, इसको क्वेरी सेलेक्टर ऑन दिस 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 इज नॉट वैलिड सेलेक्टर, क्यों, नंबर क्यों आएगा, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकती यार। अच्छा, ये सेवन से जो स्टार्ट हो रही है इसलिए बोल रहा है, अच्छा हाँ हाँ, चलो एक काम कर लेते हैं, पता नहीं मुझे ये बात याद नहीं आ रही वैसे, लेकिन कार्ड डैश करके कर लेते हैं इसको, ताकि शुरू में कार्ड और डैश हो। सही है, तो मैंने इसको बोला कि भाई कार्ड डैश, और अब उठा लेते हैं इसको ऐसे। अब रिफ्रेश किया इसको मैंने, एडिट का बटन दबाया तो भाई फॉर्म यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब इस फॉर्म में वो बीआर वगैरह लगाना और ये सब चीज़ें लगाना, ये तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है ये। सही है, इसमें ज़रा बीआर लगेगा पहले तो, अभी
सही है। अच्छा दूसरा अगर मैं यहाँ से प्लस हटा दूँ, प्लस इक्वल्स टू की जगह मैं सिर्फ इक्वल्स टू लगाऊँ तो क्या होगा? वो एक्चुअल डेटा पूरा का पूरा गायब हो जाएगा और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं इधर क्लिक करूँगा ये पूरा फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। आसान है ना, मुश्किल तो नहीं है। अच्छा और अब अगला काम मुझे क्या करना है? अगला काम मुझे ये करना है कि जो पोस्ट की आईडी मेरे पास आई है ना गेट हो गया, इस आईडी में जो भी पहले से लिखा हुआ है टेक्स्ट ना कुछ वो इसमें पहले से लिखा हुआ आ रहा होना चाहिए। वैल्यू करके कोई भी चीज़ लिखो तो वो पहले से लिखी हुई आ रही होती है ना, एबीसी मैंने लिख दिया मिसाल के तौर पर। तो यहाँ पर जब भी मैं क्या करूँगा, एडिट का बटन दबाऊँगा तो एबीसी पहले से लिखा हुआ आ रहा होगा। तो मुझे इस तरह वो एग्जैक्टली वही वाला पोस्ट मुझे इसमें पहले से डिस्प्ले कराना है। बताओ कैसे कराऊँ मैं? मैं इसी में पोस्ट की आईडी जो लेता हूँ यहाँ पे एडिट करते हुए, यहाँ पे मैं कॉमा डाल के टाइटल और टेक्स्ट भी तो ले सकता हूँ, ले सकता हूँ ना, तो ले लेते हैं फिर, ले सकता हूँ। तो जैसे मुझे आईडी मिल रही है ऐसे ही टेक्स्ट और टाइटल भी मिल जाएगा, तो मैं उसको भी पकड़ लूँगा। ओह सही है, टाइटल और टेक्स्ट, ठीक है, आईडी, टाइटल और टेक्स्ट इसी सीक्वेंस में मुझे मिलेगा भी वहाँ पे ही है जिस सीक्वेंस में यहाँ से मैंने इसको भेजा है। सही है, तो वैल्यू के मैं अब मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे आगे? टाइटल, और इसी तरह यहाँ पे नीचे वैल्यू में आगे लिख दूंगा मैं टेक्स्ट। तो ये दोनों लिखे हुए आ जाएंगे इसी तरह। इसी तरह यहाँ पे एक बी आर लगा के मैं एक अदद बटन भी बना दूंगा यहाँ पे मैं। सही है, सेव। अच्छा अब इस फॉर्म के, चलो पहले इतने को चेक कर लेते हैं, अभी फॉर्म का सबमिट अभी थोड़ी देर में देखते हैं। एडिट का बटन दबाया, फॉर्म बन गया और सेव का बटन आ गया। अब इस पर CSS क्या लगानी है, क्या करना है वो आप देख लेना। अच्छा अब सेव के बटन के क्लिक पर ना अभी कुछ भी नहीं हो रहा फिलहाल। अरे सेव के बटन पे क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हुई थी। अच्छा पेज रिफ्रेश हो रहा है ना, क्योंकि सबमिट पे तो पेज रिफ्रेश होता है। तो यहाँ पे मैं फॉर्म पे आके क्या करूँगा, अब ऑन सबमिट लगा दूँगा इसके ऊपर मैं। ज़रूरी नहीं मैं ऑन सबमिट लगाऊँ, इवेंट लिसनर वाला भी काम कर सकता हूँ मैं। इवेंट लिसनर वाला काम ऐसे करूँगा, इसको मुझे फिर आईडी वही देनी पड़ेगी जो पोस्ट की आईडी है, फिर मैं उसी आईडी के ऊपर इवेंट रजिस्टर मार दूँगा, ठीक है। वैसे फिलहाल अच्छा ऑन सबमिट का एस कैपिटल नहीं, स्मॉल होता है, राइट, स्मॉल होता है ना। अच्छा यहाँ पे अब मैं कौन सा फंक्शन कॉल करूँगा? सेव का फंक्शन एक बना हुआ नहीं है, अभी बना लेते हैं थोड़ी देर में। अभी सेव का मैंने फंक्शन यहाँ पे क्या कर दिया, कॉल कर दिया। सेव का फंक्शन कॉल कर दिया मैंने। अब सेव का फंक्शन कॉल करते हुए मैं क्या करूँगा, मुझे ये वैल्यूज़ जो अभी बंदे ने लिखी है ना, अभी अभी जो लिखी है उसको उठा के वापस कहाँ भेजना है, सर्वर पे भेजना है ना, तो कैसे उठाऊँगा मैं उसको? उसको आईडी देनी पड़ेगी ना, इस टेक्स्ट फील्ड्स को मुझे आईडी देनी पड़ेगी, ठीक है, आईडी देनी पड़ेगी। आईडी इक्वल्स, आईडी क्या दूँ इसको मैं, टाइटल डैश और पूरी आईडी, क्योंकि आईडी तो मुझे पता है, इस मतलब इस आईडी पे ये फॉर्म पूरा खुला हुआ है ना, इस आईडी पे ऑपरेट हो रहा है ये, तो मैं टाइटल डैश करके पोस्ट आईडी लगा दूंगा इसमें, ठीक है। इसी तरह ये जो दूसरा वाला है इसको मैं आईडी क्या दे दूंगा, टेक्स्ट डैश पोस्ट आईडी, क्योंकि अगर मैं देखो सिर्फ टेक्स्ट दूंगा ना तो हो सकता है बंदे ने दो में एक साथ फॉर्म खोला हो। देखो मैं रिफ्रेश करता हूँ ना, यहाँ पे मैंने इस पर भी फॉर्म खोल दिया, मैंने इस पर भी फॉर्म खोल दिया। अब इसके सेफ पे मुझे इसका डेटा उठाना है, इसके सेफ पे मुझे इसका डेटा उठाना है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इन टेक्स्ट बॉक्सेस को जो आईडी दे रहा हूँ ना उसमें इस पोस्ट की भी आईडी को शामिल कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ लिख दी बंदे ने। अब यहाँ पे मैं सेव का बटन दबाते हुए क्या करूँगा, सेव का बटन दबाते हुए मैं ये जो पोस्ट की आईडी है ना मेरी, इसको भी यहाँ पे मैं पास ऑन करूँगा। मैंने कहा यार पोस्ट की आईडी यहाँ पे क्या कर दो, आप पास ऑन कर दो, ठीक है, पोस्ट की आईडी इसके साथ चली गई। अब जब ये सेव का फंक्शन जब चलेगा, जो कि अभी बना हुआ नहीं है, अभी बना लेते हैं, विंडो डॉट सेव पोस्ट,
सही है, सेव पोस्ट का जब फंक्शन चलेगा तो इसमें भी क्या मिलेगी मुझे, पोस्ट आईडी, क्योंकि यहाँ से सबमिट पे मैंने पोस्ट आईडी भेजा है, सेव पोस्ट नाम है मेरे फंक्शन का। सही है, इस पर ही आईडी मिलेगी इसी तरह जैसे मिलती थी। मैं इस आईडी से क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर कर लेता हूँ मैं, और इसमें क्या करता हूँ मैं कहता हूँ कि भाई हैश और टाइटल डैश पोस्ट आईडी डॉट वैल्यू, डॉट वैल्यू, सही है। अपडेटेड टाइटल ये हो गया, और इसी तरीके से अपडेटेड टेक्स्ट, सही है। अब देखो इस आईडी से जब मैं उठा रहा हूँ तो इससे एग्जैक्टली वही वाला उठेगा जिस पर अपडेट क्लिक हुआ है, कोई और नहीं उठेगा इससे। ये दोनों मैंने उठा लिया, ये दोनों उठाने के बाद क्या करूँगा अब यहाँ से मैं एक्जियोस डॉट पुट, सही है, पुट करते हुए क्या लिखूँगा इसमें यूआरएल में, स्लैश एपीआई स्लैश वी वन स्लैश क्या था पोस्ट, और स्लैश पोस्ट की आईडी, ठीक है, पोस्ट की आईडी मेरे पास यहाँ मौजूद है, सही है। अच्छा इसको मैंने बैकटिक में नहीं लिखा ना, सही है, यूआरएल बिल्कुल ठीक हो गया मेरा, स्लैश एपीआई स्लैश वी वन स्लैश पोस्ट और पोस्ट की आईडी, ठीक है। और पुट के अंदर कॉमा डाल के मैं क्या देता हूँ, बॉडी देता हूँ, इसको हाथ रख के देख भी लेते हैं, ठीक है, बकवास यार वो नहीं दे रहा, ये सजेशन नहीं दे रहा। वेल पुट में क्या होता है, कॉमा लगा के ना बॉडी दे रहे होते हैं। अच्छा एग्जॉस्ट की तो ऊपर से ज़रा उठा के ले आते हैं ना, बार बार कौन लिखे इसको, ठीक है, ये देन और डॉट कैच ये पूरा उठा के ले आते हैं हम इसमें, ठीक है। जस्ट को पोस्ट से मैंने पुट करना है, क्योंकि पोस्ट और पुट का वो सिंटेक्स है पूरा एक ही होता है, और यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, अपडेटेड टेक्स्ट और अपडेटेड टाइटल, अपडेटेड टाइटल अपडेटेड टेक्स्ट, और ये पुट की रिक्वेस्ट मेरे पास गई। अच्छा यहाँ पे वो नहीं डाली मैंने ना, पोस्ट के बाद अभी तो लिखी थी आईडी, वाइब कैसे हो गई, वाइब इसलिए हो गई मैंने ऊपर से कॉपी करके लाया ना यहाँ पे, सही है जी। अब कॉन्सोल पे जो भी रिज़ल्ट आएगा वो दिख जाएगा, और इस रिज़ल्ट को मैंने इनर एचटीएमएल पे नहीं रेंडर करवाना है, जस्ट मैंने जब ये मतलब अपडेट हो जाए तो गेट ऑल पोस्ट को कॉल कर देना है, दैट्स इट। मुझे स्क्रीन पे ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल, चाहे तो दिखा भी सकते हैं लेकिन ना भी दिखाएं तो खैर है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली जब पोस्ट अपडेट होगी तो वो खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा एक काम मुझे और करना है कि जी इस वाले फंक्शन पे ना, यानी इस ऑन सबमिट के ऊपर पेज मेरा रिफ़्रेश ना हो, लेकिन अगर मेरा पेज रिफ़्रेश हो भी रहा है तो इस केस में कोई इशू नहीं है। पेज रिफ़्रेश होने पे भी क्या होता है, तमाम पोस्ट क्या होती है दोबारा से गेट हो जाती है, तो भाई सही है, ठीक है। अच्छा रिफ़्रेश को रोकने के लिए क्या लगाना होता है, प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट, वो आपको पता है, चाहो तो लगा सकते हो, फिलहाल मेरे ख्याल ज़रूरत नहीं है। हाँ फिर भी वो, हाँ गेट ऑल पोस्ट हटा भी दें तो चलेगा, क्योंकि पेज रिफ़्रेश हो रहा है, ठीक है, गेट ऑल पोस्ट हटा भी दें तो चल जाएगा ये, तो आ जाओ फिर इसको चला के एक दफ़ा देख लेते हैं, कोई एरर तो नहीं है इसमें। इसका मैंने एडिट का बटन दबाया और डैश लगा के इसमें न्यू लिख दिया मैंने, और सेव का बटन दबाया तो हुआ सेव। एपीआई में कर तो दिया मैंने कॉल, सर्वर पे कोई एरर आ गया ये कह रहे हो तुम, सर्वर पे देखते हैं, हाँ सर्वर पे एरर आ गया, पोस्ट नॉट डिफाइन, यहाँ पे कह रहा है पोस्ट नॉट डिफाइन है, डिलीट में 26 तो है ही नहीं इसमें, 86 अच्छा पुट चला रहे हैं ना अभी, तो ये डिलीट खोल लिया मैंने, हाँ पुट चला रहे हैं अभी हम, पुट में 86 में कह रहे हो, ओ यस पोस्ट में एस लगेगा, करेक्ट। अच्छा चलो डिलीट हो गई पोस्ट, एक नई पोस्ट यहाँ पे क्रिएट करता हूँ मैं,
सबमिट करता हूँ और इस नई पोस्ट में ही एडिट का बटन दबा के डैश लगा के इसमें न्यू कर देता हूँ। ठीक है जी, हो गया अपडेट। इसको मैं रिफ़्रेश भी करूँगा तो ये अपडेट ही रहेगा। तो यहाँ पे हमारा जो थ्रेड ऑपरेशन था पूरा क्या हो गया, वो कंप्लीट हो गया, लेकिन वेरिएबल के साथ हुआ है। अब हमने क्या करना है, इसको आगे MongoDB के साथ कनेक्ट करना है। उस वेरिएबल को हटा के उसी जगह पे MongoDB लगा देंगे। फ्रंट एंड जो है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि फ्रंट एंड से हमने स्टैंडर्ड रिक्वेस्ट जो है वो भेजी है। ये REST API को हमने फॉलो किया है ना, जो फ्रंट एंड से जो भी रिक्वेस्ट भेजी है ना हमने, वो फ्रंट एंड को फॉलो किया है कि जी हमेशा पोस्ट को अपडेट करने के लिए /post और /post ID होगी हमेशा। फ्रंट एंड से यही भेजना है मैंने, पीछे डेटाबेस वो जो भी हो फ्रंट एंड से ये भेजना है मैंने। इसी तरह डिलीट में हमेशा मैं क्या भेजूंगा, /post और /post की ID और रिक्वेस्ट की टाइप डिलीट होगी। इसी तरीके से कोई पोस्ट मैंने गेट करनी है अगर सिंगल पोस्ट, तो मैं /post और /post की ID भेजूंगा, ठीक है, बगैर एस के पोस्ट लिखूंगा मैं। इसी तरह तमाम पोस्ट को गेट करने के लिए मैं यहाँ पे एस लगाऊंगा, ठीक है, और सिंगल पोस्ट को गेट करने के लिए मैं, अच्छा ये तो पोस्ट हो रहा है, ठीक है। तो वेल, तो ये सारा का सारा जो हमने REST API का जो यूनिफॉर्म रिसोर्स वो फॉलो किया। अब हम नेक्स्ट क्लास में होपफुली इसमें क्या करेंगे, डेटाबेस कनेक्ट करेंगे MongoDB का, और क्लास का जो कोड है उसको मैं पुश कर देता हूँ। समझा नहीं मैं बात तुम्हारी, असल में तो ये सर्वर की एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि मेरा जो सर्वर है वो REST API को फॉलो कर रहा है ना। असल में तो मेरा सर्वर है जो REST API को फॉलो कर रहा है कि भाई रिक्वेस्ट जो भी अंदर आएगी ना सर्वर के, जो भी सामने से रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को, वो REST API के थ्रू भेजेगा। तो REST API के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया हुआ है, समझ लो। तो क्योंकि REST API वाला सर्वर है मेरा, इस सर्वर के अंदर जब मैं डेटाबेस चेंज करूँगा ना, तो इसका API चेंज नहीं करूँगा मैं, इधर से यहाँ से चेंज नहीं करूँगा। ये जो एक्सपेक्टेशन है ना मेरी कि अच्छा जी रिक्वेस्ट में टाइटल, बॉडी में टाइटल मिलता है और बॉडी में टेक्स्ट मिलता है, ये एक्सपेक्टेशन मेरी सेम रहेगी। ये एक्सपेक्टेशन क्योंकि मेरी सेम रहेगी, तो फ्रंट एंड से कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा, तो फ्रंट एंड भी सेम रहेगा मेरा। तो असल में मैंने फ्रंट एंड पे क्या किया है, API इंटीग्रेशन की है। इस चीज़ को गौर से समझो, हाँ मैंने फ्रंट एंड से API इंटीग्रेट की है। तो अब यहाँ पे अगर मैं API चेंज करूँगा ना इसकी, तो फिर मुझे फ्रंट एंड भी चेंज करना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ से अब API इसकी चेंज नहीं करूँगा। यानी इनपुट जो मैं लेता हूँ ना, जिस यानी API जो मैंने एक्सपोज की है सामने वाले बंदे के लिए, मैंने एक API एक्सपोज की है, तो जो मैंने अभी एक्सपोज की हुई है ये पक्का है API, ये चेंज नहीं करूँगा मैं, ठीक है। और इसको चेंज कभी करते भी नहीं है, ये भी जहन में रखें। ये एक दफ़ा जो बन गया, अगर गलती भी हो गई ना कोई, तो उसी तरह रहेगा वो। अब बनेगा V2, V1 को चेंज नहीं करते। वंस वो रिलीज हो गया, अब गलत है सही है वही रहेगा वो, और सारी ज़िंदगी वही रहेगा वो। हैं बहुत सारी इस तरह की API जिसमें मिस्टेक है, स्पेलिंग वगैरह तक की मिस्टेक है, लेकिन वो अब उसको चेंज नहीं करते, अब उसको वो उसी तरह रखते हैं। एक API है, उसके अंदर डिलीट की जो रिक्वेस्ट है ना, उसमें delete 1 लग गया गलती से। अब पता नहीं गलती से लगा उन्होंने लगाया है, तो वो वैसे ही है, तो उसको अब चेंज नहीं करते। अब V2 में होगा जो भी होगा अगला काम, ठीक है जी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई कि इतना काम ना सब लोग करके लाएं, और उसकी होस्टिंग हुई भी हो प्रॉपर गूगल क्लाउड पे या जहाँ पे भी आपको अच्छा लगे। नहीं किया हुआ सबने भाई, आज कहाँ से किया हुआ है, इस तरह चल रहा हो। गूगल क्लाउड खोलूँ मैं आपका URL, इस तरह मुझे URL दिखे, और इस तरह ये चले, और डिलीट भी हो, एडिट भी हो, सब कुछ हो, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में MongoDB स्टार्ट कर पाएंगे।